हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं अतीक अहमद। और मैं हूं कामरान अली। गाइस, आज की जो वीडियो है, हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ आएंगे, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। हर बंदे का टाइम कीमती है, छोटे बड़े की बात नहीं होती, कीमती बंदे हर बंदे का टाइम है। तो गाइस, वैसे तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप ठीक ठाक, आपको ऊपर वाला रखे भी। आज की वीडियो का टाइटल है न्यू कोयलवर सिक्स लेन ब्रिज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, लाइफ लाइन ऑफ बिहार, इंडियाज मेगा प्रोजेक्ट। देखते हैं जी इसमें कितना मेगा प्रोजेक्ट है और क्या क्या चीज़ें हैं। और स्मार्ट सिटी गाइड चैनल से ये वीडियो ली गई है। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर चेक कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उनको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं आज की वीडियो। चल भाई, चैलेंज लगाओ। 3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। और आपके लिए प्रस्तुत है एक और मेगा प्रोजेक्ट का इनॉगरेशन। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार राज्य में बने सोन नदी पर नए कोयलवर ब्रिज के बारे में। और इस ब्रिज के कारण पटना से भोजपुर और बक्सर जिले के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है। इतना ही नहीं, पटना से उत्तर प्रदेश जाना और भी आसान हो जाएगा। अतः इस नए ब्रिज के कारण बिहार और यूपी के बीच में सड़क मार्ग द्वारा कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आगे इस नए कोयलवर ब्रिज की विशेषता और उपयोगिता के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू कोयलवर ब्रिज का निर्माण सोन नदी के ऊपर किया गया है और यह बिहटा को कोयलवर से कनेक्ट कर देगा। यह एक 6 लेन का बीम टाइप ब्रिज होगा, लेकिन वर्तमान में इसका 3 लेन बनकर तैयार हो चुका है। बाकी का 3 लेन निर्माणाधीन है और 2021 तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और इस ब्रिज की कुल लंबाई 1.528 किलोमीटर है। नए कोयलवर ब्रिज का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 922 पर किया गया है, जिसको कि पहले नेशनल हाईवे नंबर 30 के नाम से जाना जाता था। और यह ब्रिज पटना बक्सर 4 लेन सड़क परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में पटना से बक्सर के बीच 4 लेन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। और यह 4 लेन हाईवे परियोजना 2022 तक बन जाने की उम्मीद है, लेकिन नए कोयलवर ब्रिज को 6 लेन का बनाया जा रहा है भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में बिहटा को कोयलवर से जोड़ने के लिए ओल्ड कोयलवर ब्रिज मौजूद है, जो कि एक रेल कम रोड ब्रिज है। और ओल्ड कोयलवर ब्रिज को ऑफिशियली अब्दुल बारी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में ओल्ड कोयलवर ब्रिज की स्थिति जर्जर अवस्था में है और यह ब्रिज उभरते हुए बिहार के ट्रैफिक को झेलने के सक्षम नहीं है। अतः ओल्ड कोयलवर ब्रिज पर ट्रैफिक जैम आम समस्या बन चुकी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए 6 लेन कोयलवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 3 लेन बनकर तैयार हो चुका है। और पुराना वाला कोयलवर ब्रिज 158 साल पुराना है। जी हाँ, 158 ईयर्स ओल्ड ब्रिज। अतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ओल्ड कोयलवर ब्रिज सही नहीं था। इसी से आप समझ सकते हैं कि नए ब्रिज की कितनी सख्त आवश्यकता थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि दिनांक 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा नए कोयलवर ब्रिज के 3 लेन का लोकार्पण किया गया। और इसके उद्घाटन के बाद इस ब्रिज को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। और उम्मीद है कि इस ब्रिज का नाम हमारे देश के गणितज्ञ स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम से रखा जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण में 266 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नए कोयलवर ब्रिज पर यातायात सुचारू हो जाने के कारण पटना से आरा, बक्सर, छपरा, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी इत्यादि शहरों के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इसके कारण व्यापार में भी वृद्धि होगी और निकट भविष्य में पटना बक्सर 4 लेन परियोजना और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के कारण पटना से दिल्ली तक का सफर भी आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। यार, जब उन्होंने पुल का बताया ना, उसके बाद जो है मुझे अंदाजा हुआ कि कितनी सख्त जरूरत है और कितना इम्पोर्टेंट ब्रिज है। ब्रिज है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी अपने सखर में भी सखर बैराज बनने से पहले वही पुल इस्तेमाल होता था,
रेलवे वाला, बिल्कुल ऐसे ही उसके भी साइड पे रोड बने हुए हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी एक ऐसा सेम ऐसा ब्रिज था पहले, अभी भी है, अब वहाँ से सिर्फ ट्रेन पासेज होती हैं, लेकिन वो एक नया रोड बन गया है जहाँ से ट्रैफिक गुजरती है। तो हम लोग तो समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, वो कितनी डिस्टर्ब होती होंगी जब ये पुल नहीं था। अभी भी उस पुल से मेरे ख्याल हैवी ट्रैफिक तो नहीं गुजर रही थी, जिस तरह वो पुल दिखा रहे थे कि वो गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। जब इन्होंने ये नया वाला पुल दिखाया है कोइलवर ब्रिज, उस पर से बाइक्स और साइकिल्स ही हैं, तो गाड़ी तो अभी नहीं आई। अभी असल में कहीं भी शायद आगे जो अभी एंड हो रहा था ना, वहां पे शायद वो जो ना थोड़ा सा भी काम चल रहा है या थोड़ा रहता होगा, इसलिए वो चीज और बड़ी हैवी ट्रैफिक को नहीं छोड़ रहे। लेकिन उन्होंने ये बताया जो इससे पिछली वाली ब्रिज थी वो 155 किलोमीटर नहीं पुरानी थी। अच्छा, यस हाँ, 150 तो वो बहुत ही ज्यादा, मैं समझता हूँ कि किसी भी ब्रिज या उसका ना 100 ईयर्स होता है कम से कम, या थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन इसको काफी पुरानी हो गई थी, तो ये बहुत जरूरी है, रिस्की चीज थी, तो ये चीज बहुत अच्छा है। चलो सोचा तो सही गवर्नमेंट ने, थोड़ा देर से आई, लेकिन आई तो सही, बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेबल है ये चीजें कि जो गवर्नमेंट इस तरह से काम कर रही है आम इंसान के लिए, आम इंसान की बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए, और ये चीज वाकई अप्रिशिएटेबल है। और ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा फायदा है, जैसे वो वहां दिखाया ट्रैफिक कितना जाम था, जो पुरानी वाले जो ब्रिज दिखा रहे थे तो उस पर ट्रैफिक हैवी था। अच्छा, पुराने तरीके से जो गाड़ियां चलाने या ऑपरेट करने के निजाम है उसमें गाड़ी की लाइफ पे भी बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं, लेकिन इससे ये फायदा होगा, देखें उन्होंने यानी कि वेट भी नहीं किया, इतना अर्जेंट था कि उन्होंने तीन लेन ही बना के तीन लेन ही खोल दी। हाँ। ये नहीं कहा कि 6-7 होंगी तो फिर उसके बाद तो ये चीज उन्होंने देखा होगा कि इमरजेंसी इस हवाले से थी कि ट्रैफिक का लोड पुरानी बिल्डिंग में उस पर ब्रिज पे ज्यादा था, तो इसलिए इस पे अब जो है ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, तो उससे ये फायदा हो जाएगा। हैवी गाड़ियां हो सकता है इस नई वाले पे छोड़ें, और छोटी मोटी गाड़ियां जो है उसी पुराने पे यानी कि चलाएं, जब तक वो दूसरी लाइन उसकी ना बन जाए, जहां तक मैं समझता हूँ। और अभी मिनिस्टर साहब भी, अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब भी दोबारा वही आ गए बिहार के जो पहले थे, नीतीश कुमार जी, क्योंकि अभी इलेक्शन उन्होंने जीता है दोबारा, तो ये है कि अभी उनको 10 ईयर हो जाए, यानी कि 5 पहले 5 ये, यानी कि 10 साल है, 10 साल में तो भाई बंदा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि वो अभी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे अभी याद आया बिहार नाम, मैंने कहा अभी आपने जब बोला ना नीतीश, मैंने कहा ले भाई ये शुरू हो गया, तो बोल नहीं, वो मुझे असल में पता था, आइडिया है ना इस चीज का, क्योंकि आपने साइड में देखा होगा वो पिक्चर आ रही थी, नीतीश कुमार की भी आ रही थी नीचे, जो चीफ मिनिस्टर है इस टाइम बिहार के, और दूसरे जो वो है मिनिस्टर है उसके, भाई बात ये प्रोजेक्ट के जो भी कि मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या वो किसी मिनिस्टर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरे इस तरह बात करने का मकसद ये है कि मुझे पॉलिटिक्स का अलिफ बे भी नहीं पता, ए बी सी भी नहीं, वो जो मतलब नॉलेज होनी चाहिए, तो ये चाहिए, सही बात है। क्रिकेट और एक पॉलिटिक्स, ये दो चीजों में मैं बिल्कुल जीरो हूँ, और ये जो है ना बस, क्योंकि मैं असल बंदा अगर किसी चीज को जो है ना फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है उस चीज की नॉलेज होती तो है। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे आप कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसको मुझे इससे आइडिया नहीं है, तो जाहिर सी बात आप उन चीजों को फॉलो करते हैं जो मैं नहीं कर सकता है, मुझे पता नहीं है इस बारे में, मैं तो नॉलेज को फॉलो करता हूँ बस। वो तो आप ये आप छोड़ दें कि मैं कितना करता हूँ, आपने देख ही लिया होगा, मेरा कमर्शियल ज्योग्राफी भी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उससे रिलेटेड वीडियोस, अब यार ट्रैवल की वीडियोस 2-3 रिएक्शन किया था, भाई पसंद ही नहीं करते यार, मतलब 2-3 दिन गुजर जाते हैं, 100 व्यूज भी नहीं आते, फिर हमने बंद कर दिया। हमने बोला अपना ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, उस पे देखेंगे कि फिर आपका क्या रिएक्शन आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गाइज इस रिएक्शन को यहीं पे रखेंगे, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नई वीडियो में नई रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय।